लिखिए सल्फोनेशंस इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एच टू एसओ फोर, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एच टू एसओ फोर एसओ थ्री गिव्स सल्फोनेशंस रिएक्शंस विद बेंजीन रिंग, विद बेंजीन रिंग, यानी बेंजीन रिंग के साथ वो क्या देगा? सल्फोनेशन देगा। कैसे? पहले तो देखिए मैकेनिज्म क्या होती है इसकी और रिएक्शन क्या होती है। ये आपके पास है प्लस आपने एच टू एसओ फोर ले लिया कंसंट्रेट, तो आपको ये प्रोडक्ट फाइनल दिखाई देगा एसओ थ्री एच। मैकेनिज्म किस तरह से? सबसे पहले आपने लिया एच टू एसओ फोर वो भी कंसंट्रेट, तो आपके पास एसओ थ्री प्लस एच टू एच, देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास एसओ थ्री अलग हो चुका है, दो मॉलिक्यूल हमने लिए हैं एच थ्री ओ प्लस और एच एसओ फोर माइनस, ये हमारे पास स्पीशीज रहेगी। अब ये जो एसओ थ्री है ये बेंजीन रिंग पे अटैक कर रहा है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन इसका जो है अभी भी उसके पास है, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है इस जगह? यहाँ पर सल्फर डबल बॉन्ड और ये हमारे पास है, तो यहाँ ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो चुका है माइनस और यहाँ हाइड्रोजन है और इस जगह प्लस है, तो ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा और हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो फाइनली आपको क्या दिखाई देगा इस जगह? ये जो नेक्स्ट स्टेप है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, सल्फर है, डबल बॉन्ड ओ माइनस, यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, फिर ये हाइड्रोजन प्लस डायरेक्ट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन पे, तो आपको क्या मिलेगा? एसओ थ्री एच आपको लास्ट में प्रोडक्ट मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो ये हो गया सल्फोनेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका? H2SO4 कंसंट्रेट होना चाहिए, वी नीड हाई कंसंट्रेट H2SO4, फर्स्ट पॉइंट ये हमारे पास आ रहा है। समझ में आ रही है बात? सेकंड की पॉइंट है भाई, ये ड्यूटेरियम ये यहां से हुआ है, इसका कैसे पता चले कि ये एक मैकेनिज्म है? तो इसके लिए मैंने एक और की पॉइंट लिया, मैंने ये बेंजीन ले ली पूरी, ड्यूटेरियम 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 ड्यूटेरियम, और मैंने ले लिया H2SO4, क्या लिया? H2SO4। तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें? आपके पास दो बन सकते हैं, ड्यूटेरियम एक SO3D सोच सकते हो और एक दूसरा भी सोच सकते हो हाइड्रोजन, कि यहाँ हाइड्रोजन आएगा, कौन सा सही है? यही सही है, क्योंकि ये वाला एटम ही शिफ्ट हुआ था, देखो ध्यान से। अगर किसी ने यहाँ पर ये बना दिया एच बना दिया तो वो गलत है, तो वो गलत है। क्लियर है? लिखे आप देखो यहां ये बात समझ सकते हैं कि ड्यूटेरियम डिक्रीजेस द रेट, यानी यहां मैं क्या लिखाना चाहता हूं, इफ हाइड्रोजन रिप्लेस बाय ड्यूटेरियम देन रेट डिक्रीजेस एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड आइसोटॉपिक इफेक्ट, आइसोटॉपिक इफेक्ट बोलेंगे इस जगह, लिख लें।